तो सूरत में भरीमाता रोड पालिया ग्राउंड खाते गुलशन पार्क में रहता फरियादी अंसारी कामिल अब्दुल रजाक युशाक उमरा पुलिस मथकना त्रण पुलिस कर्मचारी विरुद्ध फरियाद करी छे। नितेश धनसुख तथा अन्य एक पुलिस कर्मचारी विरुद्ध पोताना पुत्र ने मास्क न पहेरवा जेवी नजीवी बाबते मार मारी कोमा में पहुंचाड़ी हत्यानो प्रयास करवाना आक्षेप करी सूरत कोर्ट में फरियाद करी हती। जे मुजब फरियादी ना पुत्र समीर अंसारी तेना मित्रों इमरान शेख साद मोहिज खान मोहम्मद आतिफ शेख साबिर अंसारी साथ 22 जुलाई 21 ना रोज वेसुना वीआईपी रोड स्थित काफे में नास्तो करीने रात्रे 8:45 वागे बाहर निकल्या हता। आ उमरा पुलिस नी वान में आवेला आरोपी पुलिस कर्मचारीए फरियादी ना पुत्र समीर ना हाथ पकड़ीने जणाव्युं हतुं के कर्फ्यू नो समय शुरू थवानो छे अने मास्क पहेर्युं न होय गुनो नोंधाशे, चालो वान में बेसी जाओ। अने आजे 6 महीना वीती गया छतां समीर होस्पिटल में अने घरे बनावेली होस्पिटल में सारवार लई रह्यो छे। प्रथम तो ते कोमा में सरी पड़ेला समीर की स्थिति अत्यारे सारी छे, कम्प्यूटर नो जाणकार अने स्मार्ट देखातो समीर ओळखाय एवी स्थिति में नथी। ये तो हमसे पुलिस वाले से कोई इंसाफ नहीं मिल पाया। अब कोर्ट से आर्डर हुआ है एफआईआर के लिए, अब देखते हैं कि ये कोर्ट के आदेश पे कितना खरे उतरते हैं, आरोपी को पकड़ते हैं, क्या होता है। हुआ था कि ये गए थे अपना दोस्तान लोग के साथ कॉफी पीने के लिए, अब वहाँ पे ऐसा है कि पुलिस वाले ने आए वहाँ पर इसको खाली पकड़ा, क्यों पकड़ा है इसको, रुहा के लेके पुलिस थाने जाना चाहिए, तो उसको दूसरी जगह लेके क्यों मारा, मार के उसको कॉल नहीं जाता तो हम लोग का बच्चा भी मेरे हाथ में नहीं आता। कॉल करने पर पुलिस वाले ने चाहे कि नई सिविल में आ जाओ, तो एप्पल में मेरे को डेट मिला, कौन दाखिल किया ये नहीं खबर है मेरे। पुलिस वाला बोल रहे ये गाड़ी में से कूद गया था, सच बात है? नहीं, गलत है, गाड़ी में नहीं कूदा। जब वहाँ से बच्चा मेरा नहीं भागा तो गाड़ी से कैसे कूदता, क्योंकि दोनों तरफ पुलिस पकड़ती है तो लॉक करती है, वो उसको ढकेल लास्ट से मार मार के उसको ढकेला है कि इसको बनाने के लिए। यही कि पूरा इंसाफ मिलना चाहिए मेरे बच्चे के। ये मामला बच्चा अच्छा खासा गया, आज मुर्दा हालत में दिया गवा, एक अंडर वियर पहने मेरा बच्चा दिए में, पुलिस वाले ऐसी अपनी हाल किए। 24 घंटे आप ही सेवा करते हो? हाँ, 24 घंटे हम सेवा करते हैं, रात भर इसके पापा भी देखते हैं, हम भी देखते हैं पूरी रात, सुबह 8 बजे सोते हैं, 23 बजे खाली। कितना खर्चा किया होगा आपने? 8 लाख, इतना 40 लाख रुपया अब तक खर्चा हुआ है, सब गांव की जमीन सब बेच दिया। न्याय के लिए क्या कहेंगे? इंसाफ मिलना चाहिए हम लोग के।